have Gouldian finches, society finches, English budgies, and canaries, and then we also have a couple of hybrid parakeet budgies that we'll talk about on another day about how that happened. Okay, everybody, I'm going to go ahead and pass it over to him so he can go ahead and tell you an overview. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. हम लोग रहते हैं अमेरिका में. कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने ये शुरू किया कि दो तीन बर्ड लेके आए. शौक था, शौक से वो बढ़ते 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 अब इस तरह है कि ऐसा लगता है बिजनेस हो गया. कोई हमारे पास इस वक्त हैं 64 के लगभग कुछ बर्ड्स हैं. उसमें इंग्लिश बजीज, पैराकी कुछ पैराकीट्स हैं, कनेरीज, गोल्डियन फिंचेस, सोसाइटी फिंचेस और बाकी चीज़ें बढ़ती बढ़ती जा रही हैं. उम्मीद है आपको चैनल अच्छा लगेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. और जैसे ही हम लोग और बर्ड्स ऐड करेंगे या उनके बच्चे होंगे या कुछ और चीज़ें जैसे ही हमें समझ आना शुरू हो जाएगी तो हम लोग इस चैनल के ऊपर शेयर करना शुरू कर देंगे. थैंक यू सो मच. और इसके बाद अब हम आपको बाकी सारे बर्ड्स दिखाएंगे जो जो हमारे पास हैं. थैंक्स. हाँ जी, तो मैं शुरू करूँगा एवरी से. ये हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले ही बनाई है. कोई 19 बर्ड्स थे जो हम लोगों ने अडॉप्ट किए और ये एक बड़ी एवरी के साथ आए थे लेकिन वो ज़्यादा सही स्टाइल उसका अच्छा नहीं लगा. तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि एक हम लोग खुद बनाते हैं. तो इसके ऊपर हमें कोई लगा एक वीकेंड में हम दोनों ने ये मिल के एक डिज़ाइन सही बनाया है और उसके बाद आपके सामने ही है जो कुछ. हम लोग कोई इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है ऐसी चीज़ें बनाने में लेकिन थोड़ा बहुत बस शौक ही है और इसके ऊपर हमें एक वीकेंड लगा. इधर हम लोगों ने रखा हुआ है इसके अंदर लाइव स्ट्रीम भी आपको नज़र आएगी चैनल के ऊपर अगर आप देखें तो, जो कि 24/7 लगी रहेगी इसके ऊपर जिसका कैमरा मैंने यहाँ पे ऊपर इसका सेट किया हुआ है. अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े इस तरह की लाइव स्ट्रीम सेट करने की तो प्लीज़ मैसेज करें एंड मैं हैप्पली आपकी हेल्प कर लूँगा. और इधर हमारे पास हैं सोसाइटी फिंचेस, गोल्डियंस की तकरीबन दो तीन डिफरेंट कलर की म्यूटेशंस हैं. ये आपके सामने ब्लू है और ये ग्रीन बैक और येलो में आपको जो नज़र आ रहा है वो कैनेरी है मेल. सिंग्स वेरी गुड. और उसके बाद ये एक फीमेल कैनेरी भी यहाँ पे है. इसने अभी घोंसला बनाना शुरू कर दिया जो कि आप यहाँ पे अभी इस वक्त देख सकते हैं. इसके बाद ये लोग इस पर थोड़ी देर पहले इनको पानी दिया है ताकि थोड़ा बहुत बैठ ले सके जो कि आपको पानी की सीटें भी नज़र आ रही हैं इसके ऊपर. और बैठ देना इनको बहुत यानी कि बहुत खुश होते हैं इस वजह से. नेक्स्ट में अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बजीज हैं इंग्लिश बजीज. इन लोगों ने अभी एक अंडा दिया है मेरे ख्याल में 10 मिनट राइट. या ये पहली दफ़ा ही इन लोगों ने शुरू किया है तो वो पता नहीं कितने अंडे देते हैं अभी इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है. इस बॉक्स में नीचे एक और पेयर है हमारे पास. मेल ग्रीन है और फीमेल ब्लू और इन लोगों ने 6 बच्चे दिए हुए हैं. काफ़ी एक्साइटेड हैं हम इनके बारे में क्योंकि स्पेशली वो जो येलो है वो रेड आइज है. थोड़ा बहुत और भी एजुकेट और एजुकेशन मैं ले रहा हूँ इनके बारे में कि क्या क्या है और इनकी म्यूटेशन किस तरह बनती है. मेरी वाइफ को ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में, मुझे लेकिन इतना अभी नहीं पता. और यहाँ पे सोसाइटी फिंचेस हैं. इन लोगों ने भी अंडे दिए हुए हैं मेरे ख्याल में. हाउ मेनी एग्स वी हैव हियर? 1 7 हां मेनी. ओह, वी हैव मेनी एग्स. ओके, दे आर बोथ ऑलराइट. या सो यहाँ पे कुछ तीन अंडे नज़र आ रहे हैं और एक टूटा हुआ है. I'm sorry, 3 नहीं. Oh man, they have so many. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eggs. Wow. Okay. और यहाँ पे नीचे एक और पेयर इंग्लिश बजीज का. उनके आपको 2 बच्चे इन लोगों ने दिए हुए हैं और 2 अंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे द साइड में हम लोगों ने कुछ What is the, he has?
फेदर डस्टर सिंड्रोम. ओके, तो ये एक और पैराकीट है, ये बच्चा था. इसके साथ एक इसको एक बीमारी है जो इसके, अगर आप देखें तो इसके पर बढ़ते ही बढ़ते रहते हैं. इसको फेदर डस्टर सिंड्रोम कहते हैं. और अनफॉर्चुनेटली इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़िंदा रह सके. हर हफ्ते इसके सारे के सारे पर काटने पड़ते हैं, क्योंकि इसको कभी भी इसके पर ग्रो करना स्टॉप नहीं होते अनफॉर्चुनेटली. और लगे हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा इसको क्वालिटी लाइफ मिल सके. यहाँ पे नेक्स्ट केज में आपको और ज़्यादा इंग्लिश बजीज नज़र आएंगे डिफरेंट कलर के. और नीचे अगर देखें तो कुछ और हैं काफ़ी. और टोटल मेरे ख्याल में हम लोगों ने शुरू किया था थ्री पेयर्स, राइट? हाँ, तीन पेयर्स के साथ हम लोगों ने शुरू किया था आज से तकरीबन एक साल पहले. और ये फिर उसके बाद बस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं. आपके सामने ही है सारा कुछ सेम. इधर भी आपको और ज़्यादा बजीज नज़र आएंगे. और नीचे इस केज में कनेरीज के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, जितना कि मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि शौक मुझे कनेरीज का बजी से ज़्यादा मुझे है. तो डिफरेंट टाइप की कनेरीज हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है. इसने मेरे ख्याल में अंडे देना शुरू किए हुए हैं. यहाँ पे एक अंडा दिया हुआ है. और इसकी प्रॉब्लम्स मैं इवेंचुअली आपको और फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर शो करता रहूँगा. नेक्स्ट ये नया एडिशन है. इसके बारे में हम लोग एजुकेशन अभी अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया है. लव बर्ड है, बहुत प्यारी है, सुना है प्यारी है, पता नहीं प्यारा है या प्यारी है, पर सुना है कि ये प्यारी है. और अभी एक ही है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी लेके आएंगे. और नीचे एक और पेयर है इंग्लिश बजीज का. इन लोगों ने भी बच्चे दिए हुए हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं इनके. आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर तीन बच्चे हैं. और नेक्स्ट जो है ये है गोल्डियन फिंचेस. गोल्डियन ऑस्ट्रेलिया की हैं, थोड़ी नाजुक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं. जैसा कि आपको कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनके. हमारे पास इस वक्त हैं तकरीबन कोई 20 के लगभग टोटल होंगी. ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं मेल्स हैं. मेल्स का कलर ज़्यादातर ज़्यादा कलरफुल होता है कंपेयर टू फीमेल. राइट हैंड साइड पे तीन आपको मेल नज़र आ रहे हैं और अंदर एक डिवाइडर है और उसके अंदर आपको फीमेल्स नज़र आएंगी. नीचे पेयर बना के रखे हुए हैं. इसका एक ब्लू बैक जो है वो मेल है और ब्लैक हेड वाली जो आपको नज़र आ रही है वो फीमेल है. अभी ये शुरू होने वाले हैं, कुछ अर्से में अंडे देने लगेंगे. और राइट उसके एक और पेयर आपको नज़र आएगा जो कि ब्लू बैक जो है वो है फीमेल. और जो पर्पलिश जो कलरफुल है वो मेल है. बहुत ही खूबसूरत है ये. अगर मैं फोकस करूँगा इसको तो देखेंगे आप लोग के इसके बहुत अमेजिंग कलर्स हैं इन सब के. कम दिस वे डियर गाइस, हे आई वांट हिम टू कम दिस वे सो दैट या देखें अगर इसके कलर. बहुत बहुत ही खूबसूरत परिंदा है ये. नीचे एक और पेयर हम लोगों ने लगाया हुआ. इसमें अगर इसको मेल को देखें आप तो ये ब्लू बैक है और पर्पल चेस्ट इसकी है. और फीमेल जो है वो ग्रीन बैक है. और ये भी चार हैं. अभी कुछ अर्से में इनके भी अंडे निकलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो प्रोग्रेस होगी उसकी छोटी छोटी वीडियोज़ बना के हम लोग अपने चैनल पर डालते रहेंगे. यहाँ पर एक और बजीज का है पेयर. दे हैव एग्स? No, they're just now starting. Okay. Skittles and Willy. हाँ जी, एक का नाम है स्किटल्स, मेरी वाइफ इनके नाम रखती रहती है प्यारे प्यारे. और दूसरे का नाम है लिली. तो ये अभी इनको बॉक्स दिया है कुछ अर्से पहले और इसके अंदर जैसे ही अंडे होंगे तो इसकी प्रोग्रेस भी ये साथ साथ में हम लोग पोस्ट करते रहेंगे. नीचे एक और पेयर आपको नज़र आएगा. ये भी इंग्लिश बजीज ही हैं. और सबसे नीचे देर आर सम पैराकीट्स हियर टू, राइट? और दीज आर ऑल बजीज. ये भी सारे बजीज ही हैं, सॉरी. और ये सारे बच्चे हैं, इनमें कोई अभी बड़ा नहीं है. तो ये सारे बच्चों को थोड़ा साइड भी रखते हैं हम लोग.
और ये थोड़ा सा टूर था हमारा जो सेटअप है इसका. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक यू. जहाँ पे भी हैं खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफिज़. हाँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी उर्दू पे शायद हंस रहे हो. नॉर्मली मैं उर्दू में परिंदों के बारे में बात नहीं करता, तो काफ़ी सोचना पड़ता था पहले और फिर बोलना पड़ा. तो अगर किसी को पसंद नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा. मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 100% इंग्लिश बोलता रहूँ, सॉरी 100% उर्दू बोलता रहूँ. कई दफ़ा अभी भी मैं जिस वक्त उर्दू बोल रहा हूँ तो अंदर से इंग्लिश निकल जाती है. तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ ऐसी बात हो. थैंक यू.